देखो, बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास एल सी आर सीरीज़ में आ जाए, जैसा कि आज तक हमने जितने क्वेश्चन सीरीज़ में किए हैं, तो अगर एल सी आर सीरीज़ में आ जाए, सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम रहती है आई, वोल्टेज वी आर, वोल्टेज की वैल्यू वी आर, यहाँ पर क्या आता है वी एल, यहाँ पे क्या आता है वी सी, और इनको हम सॉल्व करते हैं फेजर डायग्राम, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आपका एल सी आर पैरेलल में आ जाए, पैरेलल में आ जाए, तो आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। पैरेलल में वी वेक्टर सब में क्या रहेगा, सेम, क्योंकि एल सी आर पैरेलल में वी सेम है, पर करंट आगे पीछे होगा। तो करंट के अंदर क्या करेंगे, इसमें करंट में ऐसे करेंगे, जो इंडक्टर है उसका करंट पीछे हो जाएगा वोल्टेज से बाय एन एंगल ऑफ 90, जो कैपेसिटर है उसका करंट आगे हो जाएगा बाय एन एंगल ऑफ 90, जो रेजिस्टर है उसका करंट यहाँ पे हो जाएगा। और फिर नेट करंट निकालना हो तो नेट करंट में मान लो आई सी ग्रेटर देन आई एल है, तो आई सी माइनस आई एल, तो नेट करंट की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर। बिल्कुल उल्टा है, तो ये लिखना है तो कहीं लिख लो, नेट करंट ये होगा। क्योंकि नॉर्मली एक बहुत ही ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो इंडक्टर देगा, वो रेजिस्टर देगा, और वो कैपेसिटर देगा, और एसी सप्लाई देगा। वो कहेगा आई करंट है इसमें, आई सी करंट है इसमें, आई आर करंट है इसमें, आई एल करंट है, कहेगा टोटल करंट कितना है, जो ये पढ़ के नहीं जाएगा ना, पता है क्या आंसर मार्क करेगा, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई आर प्लस आई एल, गलत, टोटल करंट ये है, ये ऑप्शन मार्क होगा टोटल करंट का। समझ में आ रहा है एल सी आर पैरल के अंदर क्या क्वेश्चन लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये भी फेजर से ही सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो बिल्कुल सीरीज एल सी आर का उल्टा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लग रहा है, पैरल के अंदर। ठीक, करें आप क्वेश्चन सॉल्व इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज 4-5 क्वेश्चंस हैं, और अगर ये ना बताया हो सारे के सारे गलत होंगे सीरीज में, गारंटी है, क्योंकि पता ही नहीं, ऐड कर दोगे आंसर गलत हो जाएगा। देखो आज लगा के देखते हैं, तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये है। देखो ये दोनों के दोनों किसमें कनेक्टेड हैं, इन पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो अगर ये दोनों के दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड हैं, आपको एक्स सी पता है और आर पता है, आपको इसमें क्या बताना है, फेज डिफरेंस बताना है क्या होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बताया था, पहली बात वी की वैल्यू पैरेलल में क्या रहेगी, सेम। तो वी मान लो कोई भी इंस्टेंट पर यहाँ पर वैल्यू वी है, विच इज चेंजिंग विद टाइम, तो वी की वैल्यू वी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी है, तो यहाँ पर करंट क्या होगा, वी डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे करंट क्या होगा, वी डिवाइडेड बाई 3। तो आपके पास दो करंट आ गए, तो आपको क्या करना है, फेजर सिखा दिया मैंने, रेजिस्टर का करंट यहाँ बनेगा और कैपेसिटर का करंट ऊपर बनता है। अभी अभी मैंने डायग्राम बना के दिखाया था स्टार्टिंग में, रेजिस्टर कैपेसिटर, और फिर रेजिस्टर और कैपेसिटर का करंट पता है, ये नेट करंट है, नेट करंट का एंगल क्या बना, फाइ, टेन फाइ क्या बनेगा, दिस अपॉन दिस, यानी कि कैपेसिटर का करंट बाय रेजिस्टर का करंट। कैपेसिटर का करंट कितना है, वी बाई 3, रेजिस्टर का करंट कितना है, वी बाई 4, इन्हें डिवाइड करके टेन इनवर्स आंसर 53 आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आज जो मैंने आपको अभी ये थ्योरी बताई इससे पहले, वो सबसे काम की थ्योरी थी, अगर वो नहीं पता होगी तो आप करंट के क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे और फेज भी निकाल नहीं पाएंगे। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन है आर और एल गिवन है सीरीज में, और वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हमने अप्लाई कर दिया। द करंट इन आर एंड एल रिस्पेक्टिवली विल बी इक्वल टू व्हाट, तो करंट की वैल्यू आर और एल में क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसमें वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, देखो रजिस्टर के अंदर तो कुछ करना ही नहीं है, आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट ही जाना है, रजिस्टर में करंट तो वही सेम ही है, ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दिस, केस ही क्लोज हो गया।
आर के अंदर तो करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी रहेगा ना, नन। ठीक, नेक्स्ट, ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज की पैरेलल। सीरीज की पैरेलल, सीरीज देखो वोल्ट मीटर की तो देखो भी, मतलब शक्ल वोल्ट मीटर थोड़े ना को देखा करता है, एलसीआर देखना होता है। वोल्ट मीटर तो बस मशीन लगी हुई है, इसका कोई काम थोड़ी ना है। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो एक ही लाइन में कनेक्टेड है सी, तो एलसीआर सीरीज में कनेक्टेड है। ये वोल्टेज अप्लाई की जा रही है वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2000 है, ओमेगा 2000 है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर क्या होगी? देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग नेट वोल्टेज है किसकी? इंडक्टर की और कैपेसिटर की। अब ओमेगा आपको पता है, एक काम करो आप एक्स एल निकाल लो, एल ओमेगा, आप इसमें एक्स सी निकाल लो, 1/C ओमेगा। आप चेक करो एक्स एल एक्स सी के इक्वल है, इसका मतलब रेजोनेंस है, और अगर रेजोनेंस है तो वी एल वी सी के इक्वल है, नेट वोल्टेज क्या आ जाएगी? जीरो। तो एक आंसर तो यहाँ पर क्या आ गया रेजोनेंस में? जीरो। तो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? जीरो। तो पहला पॉइंट क्लियर है, क्योंकि एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू बराबर है और रेजोनेंस हो चुकी है, वी एल वी सी के इक्वल हो चुका है, और नेट वोल्टेज में ये आपस में कैंसिल कर जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? एम मीटर की रीडिंग क्या होगी? एम मीटर, इसमें करंट क्या होगा? अब क्योंकि रेजोनेंस हो चुकी है, अकेला आर का रोल है अब इसमें, यानी कि जेड आर के इक्वल है, और आर की वैल्यू पूरे सर्किट में है कितनी? 6+4 10, क्योंकि प्योर इंडक्टर नहीं है, इसमें रेजिस्टर भी है, तो ये 6 भी है और ये 4 भी है। तो यहाँ पर करंट की जो वैल्यू आएगी वी आर एम एस बाई जेड आएगी। एम मीटर कौन सा करंट मेजर करता है? आर एम एस। तो एम मीटर आर एम एस करंट मेजर करता है, जिसकी वैल्यू वी आर एम एस बाई जेड है, और वी आर एम एस कहाँ से आएगा? यहाँ से, वी नॉट की वैल्यू 20 है, तो वी आर एम एस की वैल्यू 20/√2 है, और जेड की वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ आर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन रेजोनेंस का है, एक्स एल एक्स सी को कैंसिल कर चुका है, और नेट आर की वैल्यू क्वेश्चन में 10 है। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे लॉजिक लगेगा इसमें? ठीक, नेक्स्ट, क्वेश्चन है टीवी सिग्नल है, ये टीए सिग्नल नहीं है, टीवी का सिग्नल है। टीवी सिग्नल जनरेटर सप्लाई द साइन वेव ऑफ 200 वोल्ट 5 किलो हर्ट्स पे इसको सप्लाई मिल रही है। ये एल है, ये सी है, और ये आर है, आर और सी है। चूज वीक रॉन्ग स्टेटमेंट। कह रहे रजिस्टर में इतना करंट है, कैपेसिटर में इतना करंट है, टोटल करंट इतना है, और दोनों ब्रांचेज में करंट सेम है। बताओ इसमें, यानी कि अल्टीमेटली मेरे को करंट तो निकालना ही पड़ेगा। मैं आंसर तब दूंगा जब हर ब्रांच में मेरे को करंट निकालना आएगा। अब करंट कैसे निकलेगा? करंट यहाँ पर कौन सा लें? आई आर एम एस। मुझे पता है कि अगर यहाँ पर 200 वोल्ट है तो वी आर एम एस तो निकाल ही लूँगा यहाँ से। ये वी आर एम एस, ये रादर ये वी आर एम एस है, तो रजिस्टर को वी आर एम एस कितनी मिलेगी? 200। तो रजिस्टर के अंदर करंट क्या आ जाएगा? वी आर एम एस बाई आर। तो रजिस्टर का करंट आ गया 2 एम्पियर। अब कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर के अंदर करंट क्या होगा? कैपेसिटर के अंदर करंट होगा वी आर एम एस बाई एक्स सी। एक्स सी क्या होता है? 1/C ओमेगा। सॉल्व करके आई सी की वैल्यू भी आ गई। तो आपने क्या किया? वी आर एम एस दोनों को बराबर कर दिया, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब वो करंट की बात कर रहे हैं तो बाई डिफॉल्ट वो आर एम एस करंट की बात कर रहा होगा, तो वी आर एम एस दोनों में बराबर रहेगा। तो आई आर एम एस निकाल लोगे, दोनों की रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आर एम एस आ गया। अब नेट, अब देखो ना, आपको रजिस्टर में करंट 2 एम्पियर है, वो कह रहा है रजिस्टर के करंट 0.2 एम्पियर है। गलत, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट मार्क करनी है, तो ये रॉन्ग ही तो है। आपका आंसर 2 आया, ये 0.2 बोल रहा है। कैपेसिटर के अंदर करंट 0.125 बोल रहा है, लेकिन आपका करंट कैपेसिटर का कितना आ रहा है? आपका 0.2 आ रहा है, तो ये भी गलत है। नेट करंट निकालने में ध्यान रखना दोनों पैरल में है। एसी में जब दोनों पैरल में होते हैं, तो आज मैंने शुरू में क्या करवाया था?
IR और IC, नेट करंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ IC स्क्वायर प्लस IR स्क्वायर। आज एक बात हुई थी, तो नेट करंट निकाल के देखना, निकाल के ऑप्शन चेक कर लेना। नेट करंट बड़ा खतरनाक है, पैरेलल में बता रहा हूँ आपको, बहुत कॉमन मिस्टेक है, बंदा ऐड कर देगा, ऐड मत करना, पैरेलल है AC लगा हुआ है, ऐड मत करना, ऐसे लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्प्लेक्स करंट इज गिवन बाय, ये करंट है इंस्टेंटेनियस, आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है कंप्लीट साइकिल पे, एवरेज वैल्यू टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम है, हमने डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू की थी, IdT की इंटीग्रेशन, I की वैल्यू यहाँ पुट कर दें अपॉन टोटल टाइम T, तो आप इसे इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, इसकी इंटीग्रेशन कैपिटल T है और इसकी इंटीग्रेशन साइन की जीरो होती है, आंसर क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो बहुत कम इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको दो ग्राफ दे रहा है वी और आई के, इनमें फेज डिफरेंस बता रहा है पाई बाय 4 है, वोल्टेज की वैल्यू दे रहा है वी नॉट साइन 100 t, फेज डिफरेंस पाई बाय 4 है, और बस ग्राफ को देखते हुए पूछ रहे हैं आर और सी, आर और एल की वैल्यू बता दो, ऐसे कैसे वैल्यू बता दो, पाई बाय 4 से वैल्यू कैसे पता लग जाएगी, नहीं लगेगी, बस ये तो पता लग जाएगा, कितने को ये पता लग गया ये सर्किट RC सर्किट है या ये सर्किट RL सर्किट है ना, देखो ओके बिल्कुल सही, ये LCR भी हो सकता है क्योंकि पाई बाय 4 तो LCR में भी आता है, लेकिन चार ऑप्शन तो देखो, चार ऑप्शन कह रही हैं या तो R और C लगा है, L नहीं लगा हुआ, या फिर R और L लगा हुआ है, C नहीं लगा, तो इन दोनों में से ये मानना पड़ेगा, हो तो कुछ भी सकता है पर हमारे पास चार ऑप्शन यही हैं, तो बोलो अगर RC लगा हुआ है फिर तो इनमें से आंसर है, अगर RL है तो इनमें से आंसर है, बोलो क्या लगा हुआ है, RL है, ऐसा कैसे पता लग रहा है, क्योंकि हाँ क्योंकि इसके अंदर जो करंट है उसका ग्राफ माइनस कॉस से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया था इंडक्टर, याद करो NCRT, मैंने पहचान बताई थी, कभी भी NCRT में भी आता है, अगर करंट का ग्राफ नीचे से स्टार्ट है पक्का इंडक्टर है, और अगर ऊपर से स्टार्ट है तो पक्का कैपेसिटर है, अब ये तो पक्का हो गया कि आपका आंसर सी और डी में से है, अब आपको ये भी पता लग गया अगर सी और डी में से है टेन ऑफ फाई की वैल्यू जो आएगी इसमें वो क्या आएगी, XL डिवाइडेड बाई R आएगी, टेन ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू XL बाई R आएगी, ये वैल्यू 1 होती है तो XL इज इक्वल टू R आएगी, L ओमेगा इज इक्वल टू R आएगी, हिट एंड ट्रायल मारो, पहला ऑप्शन R की वैल्यू यहाँ पुट करो, L की वैल्यू यहाँ पुट करो, ओमेगा की वैल्यू 100 यहाँ पुट करो, सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, फिर ये पुट करो,
आंसर। ऐसे कैसे वैल्यू निकाल लोगे एल और आर की? आपको हिट एंड ट्रायल में कंडीशन बना के इसे पुट करके देखना पड़ेगा कौन सी कंडीशन इसे सेटिस्फाई हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? कैसे पता लगा कि इंडक्टर का केस है ये, और इंडक्टर के केस में टेन फाई की वैल्यू एक्सएल बाई आर होती है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, एलसीआर पैरेलल में है। तो इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? इसके अंदर आपको एलसीआर पैरेलल में गिवन है, आपको इसमें क्या निकालना है? आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट बताना है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू बतानी है। देखो, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू होगी वी नॉट बाई जेड। देखो, मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है आई नॉट की, तो वी की भी वैल्यू मैक्सिमम पुट करने की पड़ेगी, वी नॉट बाई जेड। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई जेड का मैंने ये फॉर्मूला करवाया था, कैसे? 1 बाई जेड स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं था, गलत है। ऐसे था 1 बाई जेड स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर 1 बाई एक्स सी माइनस 1 बाई एक्स एल का होल स्क्वायर, ऐसे ही था ना? तो यहां से 1 बाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर 1 बाई एक्स सी माइनस 1 बाई एक्स एल का होल स्क्वायर। तो अब आप एक काम करो, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड है, इस 1 बाई जेड को यहां पे पुट करके आई नॉट की वैल्यू मार्क कर लेना, नन ऑफ दीज आंसर आएगा, ऑप्शन मैच नहीं करेगा इसमें। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1 बाई जेड का फॉर्मूला याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी 1 बाई जेड आएगा उसको यहां पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन नन है इसमें। नेक्स्ट, अब ये देखो, इसके अंदर ये वोल्ट मीटर का कोई काम नहीं है, इसके अंदर बहुत सिंपल है, आर और एल सीरीज में, तो इसके क्रॉस वी आर पता है, इसके क्रॉस वी एल पता है, वोल्टेज रेजिस्टर की पता है और इंडक्टर की पता है। आपको क्या निकालना है? सोर्स वोल्टेज कितनी है, नेट वोल्टेज कितनी है। तो नेट वोल्टेज कैसे निकलती है? अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर ये आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 72.8 आ रहा है। यह आंसर गलत है, डी आंसर नहीं है इसका, यह आंसर ए आंसर है। फिर फेज डिफरेंस निकाल लो, फेज डिफरेंस क्या होता है? वी एल बाई वी आर, वी एल डिवाइडेड बाई वी आर। वी एल पता है, वी आर पता है, वो कह रहा है 7/2, आंसर आ रहा है 2/7, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो नेट वोल्टेज के साथ ही मैच करेगा, डी ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन है कि R, L और C तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये AC की सप्लाई है, तो ये IC है, ये IL है और ये IR है। कह रहे बताओ टोटल करंट कितना है। देखो जिसको ये पता ना होगा वो 101% ये ऑप्शन मार्क करेगा ही करेगा कि टोटल करंट इन तीनों के सम के इक्वल, और जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो टोटल करंट है वो कैसे निकलता था पैरेलल LCR में, V सेम रहता है, IR कैपेसिटर का करंट आगे, इंडक्टर का पीछे, नेट करंट मैंने आपको आज बता दिया था नेट करंट इसके इक्वल है, तो ये ऑप्शन को बिल्कुल भी मार्क मत करना पैरेलल में, ठीक है। तो पहला पॉइंट है। दूसरा वो कह रहे हैं कि IL या IC ग्रेटर देन I हो सकता है, मतलब इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर का करंट क्या टोटल करंट से ज़्यादा हो सकता है, ये बताओ हो सकता है इसमें कैसे। जैसे मान लो ये नेट करंट है, मैंने मन में ये सोच लिया कि IR की वैल्यू 2 एम्पियर है, IL और IC 10 एम्पियर है, अब चेक करो IC और IL 10 10 कैंसिल हो गया, नेट करंट फिर से कितना आ गया 2 एम्पियर है, तो ऐसा हो सकता है रेजोनेंस कंडीशन की तरह, तो इसका मतलब IL और IC की वैल्यू नेट करंट से ज़्यादा हो सकती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि एग्जाम्पल कैसे है। नेक्स्ट उन दोनों को मिला के आप अपने PYQ स्टार्ट कर देना, मेंस वाले जो स्विच ऑन ऑफ वाले क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हैं, वह सारे डिस्कस हो जाएंगे, आप सॉल्व करोगे आपसे होने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे ट्रिकी वही है, स्विच ऑन और ऑफ ही सबसे ट्रिकी है मेंस में, नीट में कम आता है, छोटे लेवल पे आता है, एवरेज करंट ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं, इंपिडेंस, लेकिन मेंस में एक्सपोनेंट ये चीज़ें भी आती हैं। तो आज ये असाइनमेंट के बाद और पिछले असाइनमेंट को रिवाइज करके वो शीट्स करोगे तो आपके PYQ आराम से सॉल्व होंगे। तो इसमें मैंने बता दिया एल और सी किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। वो कह रहे कैपेसिटर का करंट इतना है, इंडक्टर का करंट इतना है, तो नेट करंट कितना है, भाई ऐड मत कर देना, क्योंकि याद करो कैपेसिटर का करंट ऊपर होता है, इंडक्टर का नीचे होता है, और आपस में नेट करंट क्या होगा, दोनों को माइनस करके आंसर आएगा, ठीक है। तो फेजर से सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन है, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर, ये वोल्टेज है, कॉस फंक्शन है, मेडिकल के लोग ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, कॉस फंक्शन है। वो कह रहा है कि करंट का क्या फंक्शन होगा, ऐसा ही नहीं होगा, इंडक्टर है ना, इंडक्टर है, इंडक्टर में अगर ये वोल्टेज है तो करंट 90 डिग्री पीछे है, और मैथ्स का रूल है मेडिकल वालों के लिए, ये कॉस है, π/2 आगे ओमेगा टी पीछे लिख लोगे तो भी माइनस साइन कॉमन नहीं आता, साइन टेन में आता है, कॉस में नहीं आता, तो कॉस में इसको उल्टा करके लिखेंगे तो भी आंसर सेम आता है, और कॉस ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है, साइन, तो साइन मार्क कर देना आंसर, सही है। तो कैसे कॉस से साइन बना समझ में आ रहा है यहाँ तक, और कैसे ग्राफ कॉस से साइन के फॉर्म में कन्वर्ट मार्क करना है इसमें। नेक्स्ट है, ये तो लास्ट टाइम किया था हमने, लास्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन है पावर कंज्यूम्ड का, मैंने आपको बताया था पावर कंज्यूम में हमेशा आई स्क्वायर आर पुट करना, और आई को क्या पुट करना, वी आर एम एस बाय जेड पुट करना, ऐसे ये बताया था, और जेड की वैल्यू पुट करके आंसर मार्क कर लेना, ठीक है यहाँ तक। तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम हुआ था, क्वेश्चन नंबर 13।
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि इस एल और सी सीरीज में कनेक्टेड हैं और ओमेगा बहुत लो है। ओमेगा बहुत लो का मतलब है कि ओमेगा बहुत लो अप्रोचिंग टू जीरो। तो एक्स एल क्या होता है? एल ओमेगा, ओमेगा बहुत लो तो यानी कि वी एल जीरो, तो वी एल तो जीरो हो गया। अब नेट वोल्टेज वी नॉट है वो सारी की सारी कौन ले गई? कैपेसिटर ले गया, तो वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नॉट। जब एक वैल्यू जीरो हो जाएगी तो दूसरी वी नॉट तो अपने आप ही हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट इन अ सीरीज आर सी सर्किट, ये आठ है, ये वी आर है और ये नेट है, तो वी आर तो निकाल ही लोगे। कैसे? नेट वोल्टेज क्या होती है? अंडर रूट ऑफ वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। आपको नेट वोल्टेज पता है, आपको इसमें वी ऑफ सी पता है, आप यहाँ से वी आर निकाल लेना आंसर। तो आपके पास एक वी आर की वैल्यू आ गई। आपको टेन फाई भी निकालना है। टेन फाई क्या होगा? क्योंकि सी आर सर्किट है, सी है और आर है, तो एक्स सी बाय आर या वी सी बाय वी आर। तुम्हारे पास वी सी भी है, तुम्हारे पास वी आर भी है, वी सी और वी आर को पुट करके टैन इनवर्स से आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सिंपल एल सी आर सर्किट है सीरीज का। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? एसी वोल्टेज, एसी की वोल्टेज ये गिवन है वी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा तो पता है कॉस फंक्शन है, और कैपेसिटर पता है सी। की को क्लोज किया। टाइम आफ्टर विच मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रीच इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, चाहे कॉस फंक्शन है चाहे साइन है, मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा टी बाई फोर में निकलेगी। जीरो से मैक्स अगर जाना है तो टी बाई फोर टाइम लगेगा, तो आंसर आ तो गया टी बाई फोर। और टाइम पीरियड क्या होता है? टू पाई बाई ओमेगा। ओमेगा आपको यहाँ से पता तो है पाई बाई टू आंसर, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? हालांकि मैंने ज़्यादा मैथमेटिकल कर रखा है। मैंने पहले वी लिया, पहले मैंने वी लिया, फिर मैंने करंट बोला क्योंकि कैपेसिटर है, या हाँ कैपेसिटर है, करंट आगे होगा पाई पाई बाई टू। तो मैंने करंट ये इक्वेशन निकाली पहले, मैंने माइनस साइन करंट की इक्वेशन, माइनस साइन, माइनस साइन का ग्राफ बनाया मैंने, जिसमें पता लगा कि टी बाई फोर है। वो तो वैसे भी पता है टी बाई फोर ही है। तो अगर तुम्हारी वोल्टेज कॉस है तो करंट तो साइन है, और साइन फंक्शन जीरो से टी बाई फोर में मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेते हैं, तो आंसर टी बाई फोर है, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट एसी वोल्टेज आपको गिवन है वी जी नॉट साइन ओमेगा टी। इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू गिवन है वन बाय सी ओमेगा। पीक करंट कितने हैं? आई नॉट। इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज इज चेंज टू ओमेगा बाय रूट थ्री, तो नया पीक करंट क्या होगा? जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो पीक करंट आई नॉट है, जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय रूट थ्री है तो पीक करंट क्या होगा? ये क्वेश्चन है, और ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब जब आपको केस नंबर वन में आर वन बाई सी ओमेगा गिवन है, तो आर यानी कि एक्स सी के इक्वल है, पीक करंट क्या होगा? वी नॉट बाई जेड होगा। जेड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर होगा, पर एक्स सी तो आर के इक्वल है, तो ये पीक करंट होगा। तो पीक करंट से वी नॉट बाई आर की इक्वेशन आ गई, आ गई केस नंबर वन क्लोज। केस नंबर टू में ओमेगा को चेंज करके ओमेगा बाई रूट थ्री कर दिया, इसका असर एक्स सी पे पड़ा, ओमेगा वन ओमेगा बाय रूट थ्री हो गया, नया एक्स सी रूट थ्री टाइम एक पुराना एक्स सी हो गया, है ना, ये वन बाय रूट थ्री होने से ही नया रूट थ्री एक्स सी हो गया। अब नया करंट क्या होगा? पी करंट वी नॉट बाय जेड डैश हो गया, जेड डैश क्या हो गया? आर स्क्वायर नया एक्स सी डैश हो गया,
एक्स सी डैश किसके इक्वल है, रूट थ्री एक्स सी, पर यहां से एक्स सी का मतलब क्या था, ऊपर आर, पुराना एक्स सी आर के इक्वल, तो यहां पर आर पुट कर दो तो ये नया करंट आ गया। लेकिन वी नॉट बाई आर किसके इक्वल है, रूट टू आई नॉट, तो यहां रूट टू आई नॉट पुट करके आंसर आ गया आई नॉट बाई रूट टू। सही, तो पहले उसने कहा कि ये इसके इक्वल है, यहां से तुमने वी नॉट बाई जेड से आई नॉट निकाल लिया, फिर नया एक्स सी आ गया, नई इंपिडेंस आ गई, नई इंपिडेंस को ये पुरानी इंपिडेंस के साथ पुट कर दिया, इसको आर पुट करके वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर वन और टू को सॉल्व करके भी आई नॉट बाई रूट टू की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। मेथड समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? ठीक,